लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप जाके प्ले लिस्ट क्लास 8 मैथ्स के नाम से खोजेंगे तो वहां पर सारा वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इसके मध्य पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। हमारे पास में ए बी सी डी है ना, चार क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है, उसका क्या करना है, इसके बीच का जो नंबर है तो पांच पांच नंबर हम लोग को निकालना है। ऐसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में भी किए थे, लेकिन उसमें हम लोग का सीधा सीधा नंबर दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को ऐसा नंबर दिया जा रहा है जो कि हम लोग का एक परिमेय संख्या के रूप में है, 2/3 और 4/5 है, ठीक है, ए नंबर में, और हम लोग बी नंबर बाद में बना लेंगे, ठीक है, एक एक करके बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके बीच में पांच परिमेय संख्या चाहिए, आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, आपको सबसे पहले दोनों नंबर को लिख लेना है, उसके बाद आपको देखना है कि नीचे जो नंबर है उसको हम लोग कैसे बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको बराबर करना है तो एक काम कर सकते हैं कि इसके नीचे पांच है, वो पांच को ऊपर वाला नंबर में गुणा कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाले नंबर में जब आएगा बराबर करने के बारे, तो इसके ऊपर नीचे में कितना 3 है, तो 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, इससे क्या होगा, ये 3 × 5 हो जाएगा तो भी 15 आएगा, या 5 × 3 हो जाएगा तो भी क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो गया 10/15 और ये बन जाएगा हम लोग का 12/15। इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 10/15 और 12/15 दो नंबर आ गया, इसके बीच में हम लोग नंबर खोजेंगे तो 5 तो नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए 10 और 12 बीच में 11/15 एक नंबर मिल जाएगा। अब एक नंबर मिल रहा है, हम लोगों को कितना निकालना है, 5 नंबर निकालना है टोटल, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, इसको ये दोनों नंबर को कोई बराबर नंबर से बड़ा कर देंगे गुना करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं कि 10/15 को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे किसी नंबर से, बराबर लिख के 10/15 इसको हम लोग 5 से गुना कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, तो ऊपर 50 हो गया, नीचे 15 × 5 = 75 हो जाएगा। और तथा हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को 12/ कितना है, ये 12/15 इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर से आपको गुणा करना होगा, तब नीचे जो नंबर बराबर था ना वो गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ अगर 5 से किया तो यहाँ भी 5 से कर देंगे, तो 12/60 हो गया और नीचे में 15/75 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 50/75 और 60/75 के बीच में 5 नंबर हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे लास्ट में, अतः हम लोग पास निकालना था 2/3 और या तथा जो भी लिखना लिखिए, तथा 4/5 के बीच या मध्य लिखा हुआ, तो वो वर्ड लिखते हैं ना, मध्य 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या है, तो हम लोग यहां से कुल बना लेंगे 50/75, उसके बाद आगे वाला नंबर क्या आएगा, 51/75 एक हो गया, फिर 52/75 दो हो गया, फिर 53/75 है ना, फिर 54/75, फिर 55/75, तो कितना 1, 2, 3, 4, 5 पांच टोटल नंबर हो गया। तो इस तरीके से 2/3 और 4/5 के बीच में 5 की परिमेय संख्या लिख के दिखा दी है, ठीक है। बड़े हम लोग बी नंबर के क्वेश्चन की ओर, तो बी नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, बी नंबर में है 3/5 और 3/4 है, तो हम लोग पास में क्वेश्चन दिया है बी नंबर में 3/5, तो लिख लेते हैं बी नंबर में 3/5 और क्या दिया हुआ है, हम लोग पास में 3/5 है और 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, 3/4 दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फिर से इसी तरीके से हम लोग करेंगे, 3/5 है तो 3/5 लिख लेंगे और बराबर करने के लिए दूसरा नंबर का नीचे वाला नंबर से गुणा कर देंगे, तो 4/12/20 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3/4 है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 3/4 को लिख लेंगे और ऊपर वाला जो नंबर है नीचे में उसको लिख देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 15/20 हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में बहुत सारा नंबर नहीं है, 13/15, 13/20 और 14/20, बस दो ही नंबर मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर को बड़ा नंबर से गुणा करके है ना इसको बड़ा बना लेंगे, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, 12/20 है ना, इसको हम लोग 5 से गुणा करके बड़ा नंबर बना देते हैं, ठीक है। 3 से भी गुणा कर सकते हैं, हमको लगता है आ जाएगा, ठीक है, तो 20 है, 3 से गुणा करें तो 12 × 24 = 36 और 20 × 60 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग पास 15/20 है, इसको भी गुणा कर देंगे, कितना 15/20 को भी गुणा कर देंगे 3 से,
जो सेकंड टाइम हम लोग जब गुना करते हैं तो बराबर नंबर से दोनों नंबर का गुना करते हैं, तो 15 चौका 15 3 45 हो गया और इधर हो गया 20 3 60। अब इसके बीच में हम लोग को लिखना है कितना नंबर, 5 नंबर यहाँ लिख लेंगे। अतः क्या होता है 3/5 और 3/4 के बीच में, के बीच में जो भी नंबर है, 5 संख्याएं हैं, क्या क्या 36 से शुरू है तो 37 से शुरू करेंगे। 36/5 क्या हुआ 37/60, उसके बाद 38/60, उसके बाद 39/60 और उसके बाद 40/60 हो जाएगा, लास्ट लिखेंगे 41/60 और भी जा सकता है आगे, लेकिन हम लोग को 5 ही लिखना है, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन का आंसर है आपको हो सकता है कि मिल जाए बुक वाला आंसर, हो सकता है नहीं भी मिलेगा, क्योंकि दो नंबर के बीच में बहुत बार हम बताएं कि कोई दो नंबर है 1 और 2, इसके बीच में अगर नंबर देखा जाए परिमेय संख्या तो कितना होता है अनंत परिमेय संख्या होता है, ठीक है, अनंत नंबर होता है, बहुत सारे नंबर होते हैं इसमें, इसलिए हम लोग कोई भी नंबर 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है जो आंसर में यहाँ पर हम लोग को मिल ही जाए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर, एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर सी को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी हम लिख चुके हैं, -1/3 और 1/3 है, तो हम लोग क्या करें फिर से सेम काम कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोनों का नीचे में क्या है बराबर नंबर है, अगर इसके इसके बीच में अगर हम खोजेंगे नंबर तो बस एक 0/3 मिलेगा, ठीक है, जो कि क्या एक नंबर है, एक नंबर नहीं, हम लोग कितना चाहिए हम लोग को 5 नंबर चाहिए, इसको क्या करेंगे डायरेक्ट 12 नंबर से गुणा कर देंगे तो हम लोग आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर सोचना होगा कौन सा नंबर से गुणा करेंगे, इसके बीच में बहुत सारा नंबर आना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग इसको डायरेक्ट 10 से गुणा कर देते हैं तो -10 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1/3 है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे नीचे बराबर है, इसलिए हम लोग 10 से गुणा करते हैं, 5 से भी गुणा करते तो भी आ जाता है ना, 3 से भी गुणा करने पे हमको लगता है आ जाता है, 10 हो गया और 30 हो गया, इस तरीके से हम लोग पास में कितना नंबर आ गया -10/30 और +10/30 है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, अब इसको ना दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले से बराबर था, पहले हम लोग बराबर करते थे फिर ऐसा बड़ा करते थे, लेकिन यहाँ पहले से बराबर दिया हुआ है, हम लोग सिर्फ यहाँ क्या किए बड़ा किए नंबर को, ठीक है, इसलिए हम मतलब उनको 4 स्टेप नहीं किया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बीच में कितना नंबर होगा, तो कितना नंबर हो जाएगा -1/3 है और 1/3 है, इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है, 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो हम लोग चाहेंगे तो +16 भी लिख सकते हैं, -16 भी लिख लेंगे, हम तो चाह रहे हैं केवल लिखे प्लस में, ये 10 है ना, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/30 2/30 3/30 4/30 और 5/30 और भी लिख सकते हैं जो भी मन करेगा, लेकिन हम लोग 5 ही लिखना है, तो इसके बीच में कोई 5 नंबर हम लोग छांट के देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी हो गया, क्वेश्चन नंबर डी जो होगा ये आपके लिए क्या होगा, हर बार की तरह जो देते हैं होमवर्क, ये होमवर्क रहेगा आपको बनाना है, बना के नहीं बनाने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हाँ ये क्वेश्चन बन गया, और नहीं बन रहा है तो भी कमेंट करेंगे नहीं बन रहा है, साथ में वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरह का वीडियो डाला जा रहा है, ठीक है, आने वाले समय में हम लोग साइंस भी डालेंगे, तो साइंस और इंग्लिश भी डालेंगे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।